एक बार फिर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एक बार फिर से यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा है। मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाऊं तो ये यमुना है और इस वक्त यमुना का जल स्तर 205.11 है। हालांकि लगातार हथनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में यमुना के जल स्तर को बढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे 1,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था यमुना में, वहीं 10 बजे 2,09,000 क्यूसेक और 11 बजे 2,23,000 क्यूसेक यमुना में छोड़ा गया था, जिसके बाद ये जो पानी हथनीकुंड बैराज से यमुना के लिए छोड़ा गया है उसके कल तक दिल्ली यानी कि दिल्ली के यमुना में पहुंचने के आसार हैं, जिसके बाद यमुना का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ सकता है। इस वक्त यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन खतरे के निशान के काफ़ी करीब पहुँच चुका है, क्योंकि खतरे का निशान 205.33 है और अभी यमुना का जलस्तर 205.11 है। यानी कि कभी भी देर रात तक या कल सुबह होते होते यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ जाएगा और दिल्ली वासियों को जो राहत मिली थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली की कई सड़कें कई इलाके पानी में डूबे थे और बहुत मुश्किल से दिल्ली वासियों को उससे राहत मिली थी, काफ़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन एक बार फिर से वही दिक्कत वही परेशानी दिल्ली वासियों के सर पर फिर से मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है किसी भी वक्त यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा और वो पानी जब यमुना अपने में नहीं रख पाएगी तो दिल्ली की सड़कों में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।